हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज बायो का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाने जा रहे हैं। ये आपका है, इसमें आपका विटामिन्स यानी विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और जो आपका बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी आपका विटामिन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको इसमें कवर किया गया है। आप इसे एक बार जरूर बनाइए, आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन आपका वन है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये क्या था आपका, सी फंक ने। किसने किया था, सी फंक ने। यानी विटामिन्स का खोज किसने किया है, तो सी फंक ने किया है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। देखिए आपका वसा में घुलनशील, देखिए तो आपका होता है ये ए डी ई के। ये जो विटामिन है ये आपका वसा में घुलनशील है, जबकि आपका विटामिन बी और सी ये आपका जल में घुलनशील है। तो याद रखिएगा आप कि बी और सी आपका जल में घुलनशील है और ए डी ई के आपका वसा में घुलनशील है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ये आपका है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होते हैं। कौन सा होते हैं, तो रतौंधी बीमारी होती है आपका विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अभी बताया आपको कि विटामिन बी और सी क्या आपका है, जल में घुलनशील है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन है कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, ये होता आपका कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होता आपका, कार्बनिक यौगिक। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका विटामिन बी ट्वेल्व में। किस में, तो विटामिन बी ट्वेल्व में आपका कोबाल्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ये करता है आपका विटामिन के। कौन सा करता है, विटामिन के आपको रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एट है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के समूह को सहायक आहार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के समूह को यानी सहायक आहार भी कहा जाता है, तो ये आपका विटामिन्स। किसको कहते हैं, विटामिन्स को। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नाइन है कि गोल्डन धान यानी गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो ये पाया जाता है आपका विटामिन ए। गोल्डन राइस में आपका कौन सा विटामिन पाए जाते हैं, तो आपका ये पाया जाता है आपका विटामिन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर टेन है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के समूह को सहायक आहार कहा जाता है, यानी किस यौगिक के समूह को सहायक आहार कहते हैं, तो ये कहते हैं विटामिन्स को। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ये आपका है गेहूँ अंकुर का तेल। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, गेहूँ अंकुर का तेल। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इरिगेस्ट्रॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है, तो ये कहता आपका विटामिन डी में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। तो कोई भी विटामिन आपका शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। याद रखिएगा, कोई भी विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। ये कोई भी विटामिन नहीं होता, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में विटामिन्स का यानी किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है, तो यह याद रखिएगा आपका, ये होता है आपका विटामिन डी।
किसका निर्माण होता है उच्च दर पर, तो विटामिन डी का होती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं, तो ये होता है आपका विटामिन ई से। किससे भरपूर होते हैं, तो विटामिन ई से आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये होता है आपका विटामिन B6 और विटामिन B12 के कारण, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो ये होता है आपका यकृत में, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपका है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से आपका एस्कर्वी रोग होते हैं, कौन सा होते हैं, तो एस्कर्वी रोग होते हैं विटामिन सी के कमी से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपका है बायोटीन। क्या नाम है, बायोटीन, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपका है पायरीडॉक्सिन, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरीडॉक्सिन। ये जो आपका विटामिन का रासायनिक नियम है और उससे कमी से होने वाले रोग है, उसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपका इस टॉपिक से एक ने एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स। तो इस वीडियो का आप 2 बार देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन है कि पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता आपका विटामिन ई के कमी से, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, तो ये मिलता है आपका विटामिन डी, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, ये कहते हैं आपका विटामिन ए को, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन है कि कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होता है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होता है, तो ये होता है आपका विटामिन डी के अभाव में, आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाते हैं, तो ये आपका विटामिन सी निकल जाते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, ये विटामिन सी को कहते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर का 29 है। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, ये बनता है आपका विटामिन डी, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है कि दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले अणु है, ये आपका है वसा। वसा आपको स्टोर करके रखते हैं अधिकांश जानवर, जैसे आपका ऊँट है, ऊँट आपके कुंवर में वसा को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, ये पाते हैं आपका दालों से, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि साइनोक्वाल्बिन क्या है, ये आपका विटामिन B12 का रासायनिक नेम है, साइनोक्वाल्बिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन है कि कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, इसका क्या होगा आपका आंसर, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, विटामिन डी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है कि आँखों की बीमारी जीरोप्थेलिया किस विटामिन की कमी से होता है, ये होता है आपका विटामिन ए के कमी से, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, 34 का आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है।
क्वेश्चन है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है, आपका ये होता है आपका वसा में, वसा में आपका प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण किस विटामिन की कमी कारण होती है, यह आपका विटामिन डी के कमी से होता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रोथंबिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाती है, कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाती है, ये निभाता है आपका विटामिन के, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्टेरॉयड विटामिन्स कौन सा है, स्टेरॉयड विटामिन्स कौन सा है, तो ये आपका है विटामिन डी, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है कि कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका विटामिन B12, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, विटामिन B12, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40 आपका है क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस विटामिन के कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भागों से खून का बहाव कम नहीं होता है, ये होता है आपका विटामिन के कमी से, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। विटामिन के की कमी से आपका रक्त के थक्का जमने में समय अधिक लगता है, यानी रक्त के थक्का जल्दी नहीं जम पाते हैं, इसीलिए आपका जब कहीं भी आपका शरीर में यानी कट हो जाए तो आपका ब्लड रुकना बंद ही नहीं करता है, किसके कारण से, तो विटामिन के कमी के कारण से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, ये आपका विटामिन बी का प्रयोग होते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, विटामिन बी का प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर का है 42 क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को कहते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है कि किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाते हैं, यानी किस विटामिन के अधिक होने से यकृत खराब हो जाते हैं, तो विटामिन ए के अधिक होने से यकृत खराब हो जाते हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, तो ये होता है आपका विटामिन डी का निर्माण, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस विटामिन की कमी से रौतोंदी बीमारी होती है, तो ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है, रौतोंदी, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर का है 46 क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार सब्जियां में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाई जाती है, ये पाया जाता है आपका विटामिन ए हो जाएंगे, आपका विटामिन ए हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 46 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 47 है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग यानी बीमारी को रौतोंदी कहते हैं और इसके किस नाम से जाना जाता है, तो यह जानते हैं आपका निक्टोलोपिया, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो ये करता है आपका विटामिन सी, कौन करता है, विटामिन सी करता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है आपका साइनोक्वाल्बिन, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 50 है क्वेश्चन है कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये आपका 50 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट 1 था, आपका विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें हम शामिल किए हैं, आपको ये आपका पार्ट 1 था, अब हम आपको अगले वीडियो में इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, अगले वीडियो में इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें और आपका
50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे विटामिन से संबंधित। तो अभी आपका विटामिन का ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, हम आपका एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपका 50 प्रश्न करवाएंगे, तब आपका जाएगा विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होगा। आपका कोई भी एग्जाम हो, इसी 100 प्रश्न में से आपका विटामिन से संबंधित प्रश्न जरूर होंगे। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन याद हो जाए। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।